दोस्तों, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है केपी पांडे, जो एक आईएएस है और बिहार के पटना के रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी हमारी वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, केपी पांडे जी बताते हैं कि सन 1996 के आखिरी में मेरा तबादला चाईबासा में हो गया। यहाँ आने के लिए मैं मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। शुरू से ही गुरुदेव और उनके मिशन से इस प्रकार जुड़ा रहा कि विभागीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो भी समय बचता था, मैं उससे मिशन के काम में लगा दिया करता था। ऐसा करने से मुझे बहुत चैन मिलता था। लेकिन उड़ीसा की सीमा से सटे इस क्षेत्र में मिशन के कार्य कर पाने की संभावना न के बराबर थी। मैं पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा कि वे मेरा तबादला रुकवा दें, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और विभागीय दबाव के कारण आखिरकार मुझे चाईबासा का कार्यभार संभालना ही पड़ा। वहां का प्रभार संभालते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह दो लड़कियां मेरे घर पर पहुंची। मैंने सोचा कि ये कौन है और इन्हें दफ्तर जाने के बजाय यहाँ मेरे घर पर आने की क्या जरूरत पड़ गई। पास आकर जब उन दोनों ने अपना परिचय दिया तो मेरा हृदय एक सुखद आश्चर्य से भर उठा। वे दोनों गायत्री परिवार की ही थी। उनमें से एक थी वंदना और दूसरी थी चंचल गुप्ता। वे मेरे विभाग के ही किसी व्यक्ति के द्वारा उन्हें यह मालूम हो चुका था कि मिशन से मेरी गहरी संबद्धता है। वे इस उम्मीद से मेरे पास आई थी कि उनके द्वारा जैसे तैसे चलाए जा रहे मिशन के कार्यक्रमों में विस्तार किया जा सके। उन्होंने बताया कि मिशन का नाम जानने वाले यहाँ गिने चुने ही लोग हैं। वे दोनों अपने स्तर से पूरी तरह प्रयासरत हैं, फिर भी मिशन को मजबूती नहीं मिल पा रही है। इस प्रयासों में अधिकाधिक समय देने के कारण गाहे बगाहे इन्हें घर परिवार वालों की डांट भी सुननी पड़ जाती है। इस विकट परिस्थितियों में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की मैं मन ही मन सराहना किए बिना नहीं रह सका। मुझे लगा कि इन दोनों बहनों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में मिशन को मजबूत करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। तभी उन्होंने तबादला रुकवाने की मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। अब मुझे सबसे पहले नौ कुंडिया यज्ञ के लिए एक स्थान का चयन करना था। इसके लिए शंभु स्थान शंकर मंदिर मैदान उपलब्ध हो गया। यज्ञ में लोगों को शामिल करने के लिए सघन प्रचार की जरूरत थी। इसके लिए जगह जगह छोटे छोटे दीप यज्ञों का आयोजन कर लोगों को संदेश दिए जाने लगे। घर घर संपर्क कर विशेष गोष्ठियों का आयोजन किया गया, ताकि स्थानीय लोगों को युग निर्माण योजना के बारे में विस्तार से बताया जा सके। इधर लोगों के बीच प्रचार के कार्य चल रहे थे, उधर कुंड निर्माण से लेकर साधन सामग्री जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा था। यज्ञ की तैयारियों में शुरू से अंत तक कहीं कोई अड़चन नहीं आई। चारों ओर से सहयोग की बारिश होने लगी। भोजन प्रसाद की व्यवस्था श्री रुंगटा ने की। दीप यज्ञ और हवन के लिए घर घर से आमंत्रण आने लगे। विभिन्न व्यवसायिक ग्रुपों ने भी सहयोग का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। मारवाड़ियों के एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान कोल ग्रुप द्वारा दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। अंततः यज्ञ इतने भव्य रूप में संपन्न हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। इस यज्ञ के दौरान ही शक्तिपीठ की स्थापना की बात रखी। रायपुर के एक मारवाड़ी सज्जन ने शक्तिपीठ के लिए स्थान की पेशकश की। तीन कट्टे के अहाते में बना हुआ तीन कमरे का मकान, चौड़ा बरामदा, अहाते के अंदर ही चापाकल। स्थान के उपलब्ध हो जाने से शक्तिपीठ के निर्माण का कार्य द्रुत गति से चल पड़ा।
28 जनवरी 1997 को भूमि पूजन हुआ। एसपी रामजी साहब ने शक्तिपीठ के निर्माण के लिए विधि पूर्वक भूमि पूजन किया। यह भूमि पूजन दरअसल एक बहुत बड़े भूखंड का हिस्सा थी। उस पर काफी दिनों से कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें पूर्वोक्त मारवाड़ी सज्जन को कुछ इस तरह लपेटा गया था कि उस पर उनका अधिकार साबित होने की कम ही गुंजाइश थी। प्रतिपक्ष की जोड़ तोड़ के कारण स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता था। ऊपर से स्थानीय भू माफियाओं द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी, जो उस भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। शक्तिपीठ के लिए इस भूमि को दान में देने की मौखिक पेशकश करते ही परिस्थिति कुछ इस प्रकार पलटती चली गई कि सारे विरोधियों के सब प्रयास धरे के धरे रह गए। केस की दिशा ही बदल गई और निष्पत्ति मारवाड़ी सेठ के पक्ष में रही मारवाड़ी सेठ की वर्षों से चली आ रही इस समस्या के बारे में एसपी साहब ने मुझे तब बताया जब इस विवाद का निपटारा न्यायालय द्वारा पूरा हो गया। जब स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सभी एक स्वर से कहने लगे कि ऐसे जटिल मुकदमे का फैसला मारवाड़ी सेठ के पक्ष में होना उनके द्वारा शक्तिपीठ के लिए भूमिदान का ही परिणाम है। खुद एसपी साहब भी इस निर्णय को लेकर आश्चर्यचकित थे। पूरे क्षेत्र में चर्चित इस मुकदमे में मारवाड़ी सेठ की जीत से चारों ओर गायत्री माता और गुरुदेव की शक्ति की चर्चाएं होने लगी। इन चर्चाओं को तब और बल मिल गया जब अनायास ही वंदना के लिए रिश्ता भी मिल गया और उसकी शादी हो गई। एक पैर से लाचार होने के कारण उसके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। यही कारण था कि 25 से 26 वर्ष की होने जाने के बाद भी उसकी शादी तय नहीं हो सकी थी। शादी को लेकर उसके माता पिता के लिए भी यह एक सुखद आश्चर्य घड़ी थी। इतना सब कुछ घटित होने के बाद यह बात समझ में आ गई कि चाईबासा के तबादले की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव ने मुझे पुरस्कृत करने के लिए ही बनाई थी। तबादले के समय मैं यह सोचकर मरा जा रहा था कि वहां मिशन के काम मुझे अधूरे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन यहां आकर जब शक्तिपीठ की स्थापना जैसा महत्वपूर्ण कार्य मुझ अकिंचन के द्वारा पूरा हुआ तो मेरा रोम रोम गुरु सत्ता की असीम अनुकंपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। कई बार हम सोचते हैं कुछ और होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए, पर गुरुदेव को तो कुछ और ही मंजूर होता है। वो वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जय गुरुदेव।